सरकार लाख दावे कर ले कि सब बढ़ें सब पढ़ें, पर हकीकत में कुछ और नजर आता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नगर परिषद पवई के वार्ड नंबर 6 आदिवासी मोहल्ले की, जहां की प्राथमिक शाला विद्यालय भवन निर्माण अधूरा होने से लखनलाल आदिवासी के आवास में किराए से संचालित हो रही है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि विद्यालय के लगभग 40 बच्चे एक छोटे से आवास में पढ़ाई करने को मजबूर है। ना तो शौचालय है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि शासन द्वारा विद्यालय भवन नहीं बनाया गया, बल्कि जो विद्यालय भवन का निर्माण हो रहा है वह पिछले 3 सालों से अधूरा है, पूर्ण नहीं हो पा रहा है। वहीं देखा जाए तो इस मोहल्ले में ना तो सीसी सड़क बनाई गई, जिससे मोहल्ले वासी एवं बच्चे जड़ रूपी दलदल से ही गुजरते हैं। जब पवई मुख्यालय का ही यह हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों की हालत क्या होगी, यह समझ से परे है। जब इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए अपनी सफाई दी थी। खैर, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि नवीन विद्यालय भवन नहीं बन पा रहा है, यह समझ से परे है। फिर कहाँ जाती हो तुम लोग? खेत। पानी पीने के लिए? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? फूलबाई। फूलबाई आदिवासी? समस्या है तुम्हें? यहाँ पर लड़का बच्चे पढ़े हुए आते हैं, स्कूल भी नहीं बनी, और पढ़े हुए आते लड़का वाली गिर पड़ते हैं। आप कहाँ के हो? हम यहीं के हैं, नया खीरा। कितने साल हो गए रहते? इधर 50 साल हो गए। यहाँ रोड नहीं बनी अभी तक? नहीं बनी। अच्छा, तो शिकायत की है इसकी कहीं? अबे नहीं कही है। नाम क्या है? चंद कुमार। मैं जो प्राथमिक स्कूल शासकीय स्कूल है वो सालों से किराए के मकान में लग रहा है। जो कुटीरें दी गई हैं उसमें स्कूल संचालित है। क्या कहेंगे इसमें आप? नगर परिषद ने किसी को भी किराए आवास होने के मकान में लगने की अनुमति नहीं दी। शासकीय बिल्डिंग कब से बन रही है, अभी तक बनी नहीं, क्या कारण है? उसका जो है पेमेंट बाकी था, शासन से पैसा नहीं आया था। पैसा आ गया है लगभग 1 हफ्ते हुए, अब उसका पेमेंट हो गया, वो बाकी काम कर देगा। लगभग कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा काम? लगभग 1 महीने के अंदर। 4 सालों से बिल्डिंग नहीं है स्कूल के वहाँ, 4 सालों से स्कूल बनने में इतनी देरी है। अभी ये तो हमें मालूम नहीं है, हम तो अभी आए हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। और उनका जो है कुछ पेमेंट, हमने 50% पेमेंट कर दिया, तो वहाँ की जो है पेमेंट जो है हो जाएगा इसका। सर जल्दी ही काम कर देगा। वार्ड नंबर आदिवासी बस्ती है, शासन के द्वारा करोड़ों रुपए आदिवासियों की खर्च किया जाता है, फिर भी आज तक वहाँ ना तो रोड बनी है ना कुछ है, कीचड़ में तब्दील पूरा आदिवासी मोहल्ला, क्या कहेंगे आप? सभी जहाँ काम हो रहा है हमारे परिषद में, और जहाँ पाइपलाइन जो डाली उसने खोद दी है पाइपलाइन, वहाँ सर अभी तक पाइपलाइन नहीं डाली गई है ना ही खोदा गया है। हाँ, पाइपलाइन उसको प्रस्तावित कर दी है, वो छूट गया था उतना ऐसा। तो रोड कब तक सर निर्मित हो जाएगी, अभी तक क्यों नहीं बनी? रोड का जो है हम प्रस्ताव डलवा के और उसका एस्टिमेट बनवा के करवा देंगे। क्या जा रही है? तो निकरवे में दिक्कत हो? दिक्कत तो है, गिर भी जाती हूँ। अब सामान लाए तो गिरवे तो है। का नाम तुम? अरे हम बलगी वाली। कहाँ के हैं? जाता हूँ। ये कौन सा स्कूल है? आदिवासी मोहल्ला वार्ड 6। और स्कूल का नाम? प्राथमिक माध्यमिक कौन सा स्कूल? प्राथमिक। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के लिए क्या पेशाब वेशाब बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हैं? टॉयलेट ही बचता ना, बाथरूम कुछ नहीं, ना टीचरों की कुछ नहीं। कब से लग रहा है यहाँ पे ऐसा स्कूल? जी अभी मेरा ट्रांसफर हुआ, लेकिन बहुत पहले से लग रहा है, फिर स्कूल खुला तो इस किराए से लग रहा है। ये बिल्डिंग किराए की है कि आपकी है? नहीं, किराए की। किराए की है। अच्छा, आपका नाम? राम मनोज चौधरी। क्या है आप इधर? प्रधान दल। फिर कहाँ जाओ करो तुम्हारे? खेत। और जैसे पानी आने गिराते हो तब? घर। पानी पीवे कहाँ जाओ करा? घर। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राज बहादुर। पूरा नाम बताओ। राज बहादुर आदिवासी। राज बहादुर आदिवासी। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? इस जगह का नाम क्या है? नया खेरा। नया खेरा।